कुछ ऐसा रहा है कि मैं जब घर से निकल रहा था तब अपना मोबाइल सब कुछ ठीक था, एकदम प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड वेकॉर्ड सारा कुछ हो रहा था, और हमने रास्ते में इतना सारा कट मारा, इतना सारा रश राइडिंग की क्या बताओ आप लोगों को। तो मैं बिंदास बक बक करते हुए जा रहा था कॉलेज, आप लोगों से बहुत कुछ बताते हुए मैं कॉलेज जा रहा था, मगर मैं जब कॉलेज जाके पहुंचा और अपना वो वीडियो चेक कर रहा था ना, तो तब मुझे पता लगा कि जो मैं रास्ते में इतना बक बक किया ना, तो वो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो फिलहाल अभी जो रिकॉर्ड चीज़ें मैंने रिकॉर्ड किया ना, तो वो सारे चीज़ें एंजॉय करो। अभी कॉलेज में आके पहुँच चुके हैं, देख सकते हो हमारे बिल्कुल पीछे कॉलेज है, और ये जो है अपना कॉलेज का पुराना बिल्डिंग है, और हमारा पीछे एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा देख रहे हो ना, वो नया बिल्डिंग एंटर हो चुके हैं, जैसे कि नए वाले बिल्डिंग पे पीछे कॉलेज, और इधर स्टाफ रूम वगैरह वगैरह है, और हम जो है आज स्टूडेंट लोग दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम है, अपना तो एग्ज़ाम कल से है, और बाकी सारे स्टूडेंट्स का आज ही है, और हम अभी फर्स्ट फ्लोर पे, तो बस इतना ही। तो अभी निकल जाएंगे थोड़ी देर में, क्योंकि ये जो भाई है इनको बाइक सर्विस करवाना है तो भैया तो सर्विस सेंटर पर जाएंगे अभी। तो फिलहाल के लिए निकलते हैं, चलो बाइक पर सीधा मिलते हैं आप लोगों से। उस सीन कुछ ऐसा है कि हमें अंदर देर हो रहा था, इसीलिए चलते हमने शाकिब भाई को जल्दी से इस बजाज के सर्विस सेंटर पर बोला कि जाने को, नहीं तो उधर और भी भीड़ हो सकता है, जिसके चलते हमें और भी देर हो सकता है। तो इसी के चलते हमने भाई को पहले ही भेज दिया, और हम इधर बाइक घुमा के रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, और ऋषि भाई और जयंतो भाई और बाकी सारे भाई लोग भी मेरा वेट कर रहा है इधर। तो फिलहाल निकलते हैं इधर। इधर तो ऋषि भाई को देख ही सकते हो आप लोग मेरा राइट साइड पर, और चलो हाँ इस तरफ जयंतो भाई भी है और संजय भाई भी है साथ ही साथ। और आज का पार्किंग देख सकते हो पूरा फुल है, और बंदों ने साइकिल स्टैंड पे भी बाइक पार्क करके रखा हुआ है, देख ही सकते हो आप। और हम हमेशा अपना लेफ्ट साइड पे जो पार्किंग है ना, इस पर पार्क करते हैं, मगर ये तो फुल है पूरा का पूरा आज। इसी के चलते अभी हमें जल्दी से पहुँचना है सर्विस सेंटर। रास्ते का हालत देख सकते हो पूरा तबाही होके रखा है, तबाही वाला। अभी निकल जाऊँ हाँ निकल गए हम इधर से। आज इतना गर्मी था क्या ही बताऊँ आप लोगों को, कि पूरा तबाही वाला सीन होके रखा था, इतना गर्मी था हम पूरा झुलस गए इस गर्मी में। तो चलो जल्दी से पहुँचते सर्विस सेंटर, नहीं तो और भी देर होना है हम लोगों को। और आसमान देख सकते हो कितना प्यारा होके रखा है, मौसम आज बहुत प्यारा है भाई। अब आगे कीचड़ भी, तो निकलते हैं इस कीचड़ से। हम निकल गए फिलहाल इस कीचड़ वाले रास्ते से। अभी इधर से निकल के हमको सीधा ही सर्विस सेंटर पहुंचना है, तो चलो निकलते हैं। और आप लोगों को बता देता हूँ कि इस वाले जो वीडियो है उस पर अपने कॉलेज की पूरा प्रॉपर तरीके से मैंने कुछ नहीं दिखाया, बहुत सारे चीज़ रह गए, जैसे कैंटीन हो गया और भी कुछ है जो मैंने प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाया, मगर वो भी मैं कवर करूँगा एक नेक्स्ट पार्ट में। इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी मैं बना दूँगा जिस पे पूरा कॉलेज होगा, सब कुछ होगा इस पे, और भी कुछ चीज़ें जो मैंने नहीं दिखाए। और चलो फिलहाल अभी तो निकलते हैं इधर से, अभी रास्ता तो इसी के साथ ऋषि भाई हमें ओवरटेक कर चुके हैं अभी, और साथ ही साथ जयंतो भाई ने भी ओवरटेक कर दिया, और इसके चलते NS वाले भैया ने भी ओवरटेक कर दिया, हम इन्हें ओवरटेक करते हैं अब। अभी आगे से जो टोटो आ रहा है भाई, रास्ता भी छोटा है जिसके चलते हम ओवरटेक इस रास्ते पर हो नहीं पाया। तो और सीन देख सकते हो, लोरी वाले भैयों ने सीधा इधर ही ले आके लोरी पार्क कर रखा है। अबे भाई आते जाते बंदों की दिक्कत हो रहा है, और इस साइड कीचड़ भी है। अबे उधर देख सकते हो, हाँ भाई एवेंजर वाले भैया और बाकी सारे भाई लोग भी इधर इंतज़ार कर रहे हैं कब हम इधर से आएंगे, और वो लोग हमें वो लोग उधर से ओवरटेक करेगा। तो छोड़ो ये सब, और हमारा आगे बिल्कुल आगे कैमरा में नज़र आ भी रहा है नहीं पता नहीं मुझे, तो उधर दिखाई दे रहा है वहाँ का सर्विस सेंटर। तो ऋषि भाई ने जो है आज से ठीक 10 months या 6 months पहले इधर बुकिंग करवाया था, मगर इधर तो बाइक आके पहुँचा है अब। अगर ऋषि भाई इस जगह की वेट पे रहते ना, तो भाई को अभी जाके बाइक लेना पड़ता। और ऋषि भाई इधर जा रहे हैं, शायद भाई को पेट्रोल भरवाना है, तो हम इधर ही वेट करते हैं बाइक के लिए। और सीन कुछ ऐसा हुआ था कि हमने सोचा था कि ऋषि भाई उस तरफ की जो रोड है उस तरफ से निकल जाएंगे, मगर भाई घूम के इधर ही आए, जिसके चलते हम चले गए थे उस तरफ, और हो गया तो और भी देर। तो चलो फिलहाल चलते हैं। सीन हो चुका है बहुत देर, और शाकिल भाई ने
हमने 2-3 बार फ़ोन भी कर दिया है, भाई उधर एक अकेला है, तो चलो चलते हैं जल्दी से इधर से। हो चुका है इधर हमें बहुत लेट, इधर घूम के उधर घूम के। तो फिलहाल हम कॉलेज वाले रोड को छोड़ के जो है अपना क्वाई टाउन का जो मेन रोड है उस पर ही एंटर होने वाले है, देख सकते हो आप इसके साथ सीन। तो हाँ फिलहाल हम एंटर हो चुके हैं क्वाई टाउन वाले रोड पे, इधर से देख सकते हो, और टाउन उस तरफ से और भी खूबसूरत है, तो वो हम कवर करेंगे किसी नेक्स्ट एक वीडियो पे। तो हमारा आगे चल रहा है जो मालगाड़ी है, वो हम इसे ओवरटेक करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो है तो मैंने हमें ओवरटेक कर दिया है भाई, देख सकते हो आप लोग। ट्रैफिक वाले बंदों ने क्या, अबे नहीं 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 स्टॉप नहीं दिखाया था, अबे जो है तो मैंने इसे ओवरटेक कर दिया, हम नहीं कर पाए, अभी करेंगे ना हम ओवरटेक इसे। चलो चलो करते हैं इसे ओवरटेक। हाँ हमने कर दिया है इसे ओवरटेक, और हमारा लेफ्ट साइड पे देख सकते हो बजाज का शोरूम गया है अभी, और जयंतु भाई को भी हम ओवरटेक करने वाले हैं अभी। हाँ कर चुके हैं ओवरटेक, तो चलो जल्दी से पहुँचते हैं सर्विस सेंटर जो है उधर। अबे ऑटो वाले भैया क्या कर रहे हो, इधर मारोगे क्या हम लोगों को भाई, सीधा ही रास्ते पे कार मोड़ दी भाई ने, तो छोड़ो। तो अभी नज़दीक ही है हम बिल्कुल सर्विस सेंटर की, इधर से कुछ ही किलोमीटर्स भी नहीं होंगे भाई। हाँ आगे है लगभग, हमें नज़र तो नहीं आया अभी तक, हाँ नज़र आया अभी क्वाई बजाज, देख सकते हो पहुँच चुके। और ऋषि भाई की बाइक भी मुझे नज़र आ गया था उधर, देख सकते हो भाई का बाइक। हाँ भाई भी अंदर है उधर, देख सकते हो शकील भाई का बाइक शायद ही अभी घुसाया होगा अंदर, इससे ऐसा ही मुझे लग रहा है, चलो जाके देखते हैं। हाँ ऋषि भाई जी, हाँ हाँ इधर शकील भाई का बाइक अभी घुसाया है, देख सकते हो आप मोबाइल वगैरह निकल रहा है भाई का बाइक का। फिलहाल इस तरफ बाइक है, बाइक का तो काम चल रहा है अभी, देख सकते हो। इनको जैसा है कि मुझे हो चुका है फिर से इधर देर, क्योंकि मैं जो है अपना कूलिंग वगैरह का जो चेकअप करवा रहा था कितना है कितना नहीं, तो शाकिल भाई और ऋषि भाई और जयंतो भाई फ़िलहाल कब का निकल चुके थे इधर से, अभी से फ़िलहाल 10 या 15 मिनट पहले, 10 मिनट ही, 10 ही होंगे एटलीस्ट, 10 मिनट पहले निकल गए इधर से। तो फ़िलहाल अभी रास्ते पे वो लोग नज़र भी नहीं आ रहा है मेरे को, तो जल्दी से उन्हें पकड़ते पता चले कि घर पे ही पहुँच गए सीधा, तो इससे पहले उन लोगों को पकड़ते। तो फिलहाल नज़र नहीं आ रहे भाई लोग, अभी भाई अभी 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 जिधर देखो इधर ही कट चल रहा है क्या भाई, तो फिलहाल चलो पकड़ते हैं उन लोगों को, नज़र नहीं आ रहा है मेरे को। ऋषि भाई अभी तक मेरे को नज़र नहीं आए, तो कहाँ चले गए पता नहीं भाई, इतना हमने इतना खींचा इसके बाद बावजूद वो लोग जो है नज़र नहीं आए मेरे को। और अभी हम आके पहुँच चुके हाईवे के बिल्कुल नज़दीक, देख सकते हो वो हाईवे है, जब ये हाईवे कंप्लीट हो जाएगा ना तब हम इधर ड्रैग रेस वगैरह वगैरह करेंगे, ताकि हम और भी एंटरटेनमेंट कर सके आप लोगों को। इन हाईवे पे हम ज़रूर ड्रैग रेस करेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा आगे आगे अभी आगे ऋषि भाई नहीं है भाई, नज़र नहीं है भाई, मुझे लगा कि इधर ऋषि भाई होंगे, मैं उनकी तरह कुछ दिखा। हाँ भाई आगे है उधर देख सकते हो, और आगे महादेव का जो मंदिर है वो भी है, हम देख सकते हो सीन कुछ। हाँ ये देख सकते हो महादेव का जो मंदिर आ चुका है, तो हे बम्बुले हमें कृपा करियो ताकि हम आ सके आपके पास केदारनाथ, #D4RidingVlog आपके पास बहुत जल्द आ रहा है। और सब्सक्राइबर जो है वो भी कृपा करना, सब्सक्राइब करते हुए जाना चैनल को। तो फिलहाल आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, तो आज का वीडियो जो है इधर ही एंड करेंगे। तो जो जो चैनल पर नए हो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, और घंटे को ऑल पे सेट करो, वीडियो को लाइक करो, और एक प्यारा सा कॉमेंट करो, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो। तब तक के लिए।